हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बताऊँगा किस तरह से आप स्किन का बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हो। इस टाइप का काफ़ी इजी मेथड है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे बिल्कुल स्मूथ से स्मूथ टेक्सचर भी। सो गाइस, अगर आपको बिल्कुल स्मूथ स्किन ड्रॉ करनी है तो आपको लाइट पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं 2H का यूज़ कर रहा हूँ, आप 4H 5H यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्मूथ पेपर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं तो मीडियम सरफेस ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप स्मूथ पेपर यूज़ करेंगे तो आपको टेक्सचर भी स्मूथ ही मिलेगा, तो वो स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ ही करनी है तो आप स्मूथ पेपर का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज रफ पे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रफ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल और देख लो काफ़ी लाइट शेडिंग हो रही है इससे। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको लाइट पेंसिल का यूज़ करना है स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेयर में। अब जैसे कि मैं 2H पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपको देखना है आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, 2H करनी है, 3H करनी है या फिर 4H करनी है, 5H करनी है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कितना स्मूथ टेक्सचर है, क्योंकि ज़्यादा स्मूथ भी होता है। तो ये कुछ इस तरह का है, इस तरह से मुझसे काफ़ी स्मूथ शेडिंग हो पा रही है इससे, तो मैं ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर स्मूथ पेपर होगा तो आप HB पेंसिल से भी काफ़ी लाइट शेडिंग कर सकते हैं स्मूथ पेपर पे, बट रफ पेपर पे आपको काफ़ी लाइट पेंसिल का यूज़ करना ही पड़ेगा 4H 5H पेंसिल का। कोई पर्टिकुलर ग्रेड की पेंसिल नहीं होती है किसी भी टेक्सचर को ड्रॉ करने के लिए, आपको समझना पड़ेगा। ये पेपर के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है और जो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो उसका टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ऑब्जर्वेशन से ही आएगा। और स्मूथ शेडिंग के लिए आपकी पेंसिल भी शार्प होनी चाहिए, तो मैंने कटर से शार्प कर रखा है, मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी कि किस तरह से काफ़ी अच्छी शेडिंग के लिए आप इस तरह से पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है वो। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ, अगर आपको शेडिंग चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में शेडिंग चाहिए, तो आप इस तरह से शार्प कर सकते हैं अपनी पेंसिल को। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल 4B। तो अगर आपको बिल्कुल स्मूथ रिजल्ट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि आपको शार्प पेंसिल होनी चाहिए, तो जैसे कि मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ अब, क्योंकि इसमें शार्प नहीं करना होता है और जो शेडिंग है वो बिल्कुल अच्छे से हो पाती है, तो आप मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं अब शेड कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी डेप्थ है तो यहाँ पे डार्क है, तो मैं इसलिए 4B का यूज़ कर रहा हूँ। तो वो आपको अपनी फोटोग्राफ देखनी है, मैं आपको रेफरेंस नहीं दिखा रहा हूँ, आपको अपनी फोटोग्राफ ऑब्जर्व करनी है कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंसिल का यूज़ करना है। अब मैं HB लीड वाली मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं हर ड्राइंग में करता हूँ, आपने देखा होगा। सो गाइस, फेस पे देखो किस तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, काफ़ी फास्टली कर रहा हूँ, फिर भी बिल्कुल भी पैचेस नहीं दिख रहे हैं बीच में, क्योंकि मैं 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी लाइट है और लाइट शेडिंग हो रही है, लाइट ही शेडिंग हो रही है। अगर मैं HB 2B का यूज़ करता तो रफ रफ इफेक्ट देखने को मिलता, जो कि फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो टेक्स्चर है वो काफ़ी स्मूथ है, तो उसके हिसाब से हमको पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ता है। अगर डार्क होता, जैसे कि मैं लास्ट वाली वीडियो देखी होगी आपने हाइपर रियलिस्टिक, तो वो डार्क था, तो वहाँ पर हम 2B 4B का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इस तरह के टेक्स्चर है, बिल्कुल स्मूथ है बेबी जैसा, तो उसके लिए तो आपको लाइट पेंसिल का ही यूज़ करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना। और जो यूनिफॉर्म मोशन में आपकी शेडिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपकी पेंसिल शार्प अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो बीच में अगर आपको थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, कहीं पर डार्क शेडिंग, कहीं पर लाइट हो जाती है, तो फेस पर धब्बा सा दिखेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। बिल्कुल स्मूथ चाहिए हमको फेस, तो उसके लिए आपको पेपर की भी केयर करनी पड़ेगी, पेपर को भी मतलब डैमेज मत होने देना, अच्छे से रखना। लिप्स में जो ये डार्क एरियाज है वहाँ पे 4B का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं फिर से 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ लिप्स के लिए।
कंप्लीट फेस पे मैं 2H पेंसिल का यूज़ करके ही शेडिंग कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो रही है। तो ये बात को आप ध्यान रखना है कि एक तो स्मूथ पेपर यूज़ करना है, ज़्यादा रफ पेपर यूज़ नहीं करना है। रफ भी यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, 4H 2H का। बस आपने शेडिंग करनी है कुछ इस तरह से पेंसिल को शार्प करके, और कुछ नहीं करना है। टेक्स्चर आपका इस तरह से होनी चाहिए, शेडिंग आपकी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। सो गाइस, कंप्लीट फेस में मैंने लाइट शेडिंग तो कर लिया। अब इसको ब्लेंड करने के लिए हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर से एकदम से बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल लार्ज एरिया है इस तरह का, अगर आपको स्मूथ ब्लेंड करना है तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रश या फिर पेपर स्टम्प या फिर किसी और टूल का यूज़ करता ब्लेंड करने के लिए, तो बीच में चांसेस हैं कि बीच में स्पॉट्स भी दिख सकते थे, बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड नहीं हो पाता। तो जो कि बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, जो कि मैंने देखा है पेपर स्टम्प का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप मत करो पेपर स्टम्प का, इवन ब्रश का भी यूज़ मत करो। ब्रश का भी हम छोटे छोटे एरियाज़ में करते हैं। अगर आपको इस तरह के बिल्कुल लार्ज एरियाज़ में बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड करना है, स्मूथ टेक्सचर चाहिए, तो आप टिश्यू पेपर का ही यूज़ करो। और गाइज, एक बार ब्लेंड करने के बाद ये मत सोचना कि बस स्मूथ टेक्सचर ड्रॉ हो गया, आपको उसमें दोबारा शेडिंग करनी पड़ेगी लेयर बाय लेयर। अपने फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके, नोज को ऑब्जर्व करके, फेस को ऑब्जर्व करके, जहाँ पे डार्क एरियाज हैं उनको डार्क करना पड़ेगा। जैसे कि मैं 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी लाइट शेडिंग हो जाती है, तो मैं नोज़ में शेडिंग कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे ही मैं ऑब्जर्व करके कंप्लीट फेस में शेडिंग करूँगा। एक बार ब्लेंड कर, स्मूथ तो टेक्सचर हो गया बट ये फ्लैट लग रहा है, इसमें आपको 3D लुक लाना है, तो उसके लिए आपको शेडिंग करनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अब नोज़ के चारों तरफ इस तरह शेडिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत 3D लुक आ रहा है, बट अगर वैसे ही छोड़ देता तो फ्लैट लगता, तो वो बिगिनर मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस तरह से करो, उसके बाद दोबारा ब्लेंड करके दोबारा शेडिंग करो। देखो, फेस के इस साइड में भी मैं थोड़ी डार्क शेडिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अब 3D लुक आ रहा है फेस में, बिल्कुल फ्लैट नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ हमको ऑब्जर्व करनी होती है फोटोग्राफ में। एक बार आप लाइट ब्लेंड कर लो, अगर आपको स्मूथ चीज़ जिस तरह से मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ करके किया, उसके बाद आप और लेयरिंग करो तो काफ़ी 3D लुक आएगा। अब मैं ऐसे ही कंप्लीट फेस पे ऑब्जर्व करके जो भी डार्क एरियाज है उनको डार्क कर लूँगा 2H HB 4B पेंसिल का यूज़ करके। और हाइलाइट्स करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी नोज़ में होता है यूजुअली हाइलाइट्स और
जो भी लिप्स वगैरह में होता है, आईज़ में होता है, आईज़ के आसपास होता है, तो वो चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है, उनको जरूर करना, उससे भी काफ़ी 3D लुक आता है। तो गाइस अब मैं सेम वैसे ही गर्दन में भी शेडिंग कर लूँगा इस तरह से। अब मैं जैसे कि 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़े डार्क एरियाज हैं फेस में हमको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बट यहाँ पर थोड़े डार्क एरियाज हैं, तो यहाँ पर हम HB 2B से स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आप भी इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर जिस तरह से मैंने आपको बताया। लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, उसके बाद आप टिश्यू पेपर का यूज़ करके ब्लेंड कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर से लेयरिंग करते जाओ HB 2B 4B पेंसिल का यूज़ करके। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व जरूर करना, कहाँ पर डार्क एरियाज है, कहाँ पर लाइट एरियाज हैं, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी स्मूथ टेक्सचर आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसकी हेयर ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।